पिछले कार्यक्रम में हमने रीतिकाल के प्रसिद्ध रीतिबद्ध कवि देव द्वारा रचित 8 छंदों की संदर्भ एवं प्रसंग सहित व्याख्या प्रस्तुत की थी। प्रस्तुत कार्यक्रम में आलोच्य कवि देव के कुछ अन्य चयनित छंदों की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। हिंदी साहित्य में किसी भी काव्यांश की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ एवं उसके पश्चात प्रसंग बताना चाहिए। प्रसंग के पश्चात व्याख्या करनी चाहिए। व्याख्या के पश्चात काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाषा, शैली, शब्द शक्ति, शब्द गुण, तुलनात्मकता तथा अन्य महत्वपूर्ण कोई बात हो तो वह बताना चाहिए। जगमगी ज्योतिन जड़ाऊ मणि मोतिन की, चंद्रमुख मंडल पे मंडित किनारी सी, बिंदी बरबीरन गहिर नग हिरन की, देव दमकनी में झमक भीर भारी सी, अंग अंग उमड़ियो परत रूप रंग नव, जोबन अनुपम उजियास न उजियारी सी, डगर डगर बगरावती अगर अंग, जगर मगर आपु आवती दीवारी सी। आलोच्य छंद रीतिकाल के सुविख्यात कवि देव द्वारा रचित है। कार्यक्रम के इस भाग में व्याख्या किए जाने वाले सभी छंदों का संदर्भ यही रहेगा। आलोच्य छंद श्रृंगार परक है और इसमें कवि देव ने अभिसार के लिए जाती हुई नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है। महाकवि देव कहते हैं कि अपने प्रीतम के साथ अभिसार करने के लिए जाती हुई नायिका ने मणि मोतियों के जड़ऊ आभूषण धारण किए हैं। आभूषणों की अप्रतिम चमक से अभिसारिका नायिका ज्योति के समान जगमगा रही है। ऐसा लगता है मानो वह ज्योति उसके चंद्र रूपी मुखमंडल पर दीप्ति का घेरा बना रही हो। उसने अपने माथे पर हीरे और लाल गहरे रंग के नगों की बिंदी लगाई है। ऐसा प्रतीत होता है मानो उसके सौंदर्य की दीप्ति में ज्योति की भीड़ सी लग गई हो। उसके अंग प्रत्यंग से नया रूप रंग उमड़ा पड़ता है। वह अनुपम यवना है। उसके सौंदर्य की चमक के सामने चांदनी भी श्रीहीन हो गई है। जब वह नायिका आभूषणों से सज्जित होकर अभिसार के लिए डगर डगर जाती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो दिवाली की प्रकाशमय आभा सर्वत्र बिखरती हुई जा रही हो। आलोच्य छंद में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। नायिका कृष्णाभिसारिका है। यहाँ कृष्णाभिसारिका का तात्पर्य वह है, वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अभिसार करने के लिए घर से निकलती है। दिवाली की काली रात्रि है, परंतु नायिका के सौंदर्य की दीप्ति दिवाली की रोशनी की तरह अपनी ज्योति को विकीर्ण कर पूर्णिमा बना रही है। जाके मद मालियों सो उमात्यो ना कहूँ है कोई, बूढ़ियो उदलियो ना तरियो शोभा सिंधु सामू है, पीवत ही जाही कोई मरियो सो अमर भयो, बहुरानियो जगत जानियो मानियो सुख धामू है, चरण के चखक मरी चाखत हो जाही फिरी, चाख्यो ना पियुख कछु ऐसी अभिरामू है, दंपति स्वरूप ब्रज अवतरियो अनूप सोई, देव कियो देखी प्रेम रस प्रेम नामू है। प्रस्तुत छंद में महाकवि देव ने राधा कृष्ण के रूप में सगुणोपासक भक्तों की तरह ब्रह्म के सगुण स्वरूप और प्रेम भक्ति की प्रतिष्ठा की है। कवि का कथन है कि कृष्ण और राधा के रूप में ही परम ब्रह्म ने ब्रज में अवतार लिया है और अपने प्रेमदेव नाम को सार्थक किया है। कवि कहता है कि कृष्ण के प्रेम रूपी मद में पागल होकर कोई भी उस मद से अपने को बचा नहीं पाया है। जिसने भी कृष्ण को एक बार आंख भर कर देख लिया वह उसी के रंग में रंग गया और फिर कभी भी उससे अलग नहीं हो सका। कृष्ण की उस अनुपम शोभा के समुद्र में एक बार जो स्नान कर चुका वह सदैव के लिए
उसी में डूब गया और प्रयत्न करने पर भी उससे बाहर नहीं निकल सका। यहाँ वह कृष्ण के प्रेम के सागर में डूबता है और डूबकर भी भक्ति के माध्यम से तैरते हुए संसार सागर से पार हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति कृष्ण के प्रेम में डूबकर उनसे मिल जाता है, वह संसार रूपी समुद्र को पार कर सांसारिक चक्र से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति कृष्ण के प्रेम रस को पीकर मरता है, वह अमर पद को प्राप्त कर लेता है। लोग प्रायः सांसारिक सुखों को अपने जीवन में सर्वोपरि मानते हैं, किंतु जिसने भी एक बार अपने नेत्र रूपी प्याले में श्री कृष्ण के उस अलौकिक रूप को देख लिया या उस नेत्र रूपी प्याले में परमात्मा के सौंदर्य के रस को भर लिया, फिर उसके मन में किसी अन्य सौंदर्य रूपी अमृत को चखने की इच्छा नहीं रह जाती है। वह श्री कृष्ण सौंदर्य का ऐसा अनुपम प्रतिमान है कि उनके सौंदर्य की समता संसार में कोई भी नहीं कर सका है। कवि कहता है कि उसी परम ब्रह्म ने एक दंपत्ति के रूप में ब्रज में अवतार धारण किया है और अपने प्रेम रस से अपने नाम को सार्थक किया है। ब्रजभाषा में रचित प्रस्तुत कवित्त में विरोधाभास अलंकार है। जब दो वस्तुओं में वास्तविक विरोध नहीं रहने पर भी विरोध जैसा वर्णन किया जाता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। इस दृष्टि से प्रस्तुत कवित्त विरोधाभास अलंकार का एक अच्छा उदाहरण है। शोभा सिंधु में रूपक अलंकार तथा यत्र तत्र अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। कार्तिक की राति पुनो इंदु प्रकाश दुनो आस पास पावस अमावस खगी रहे ग्रीष्म की उष्मा मयूख मान कसे मुख देखे सुनमुख निसी शिशिर लगी रहे बरसे जोनाई सुधा वसुधा सहसधार कुमुदनी सुखे ज्यों ज्यों जामिनी जगी रहे दूपर उज्ज्वल विराजे हंस हंसोदेव श्याम रंगी रंगी जगमगी उमगी रहे। आलोच्य छंद में महाकवि देव ने समस्त षठ ऋतुओं को नायिका के मिलन के उल्लास और वियोग की आशंका में समाहित कर दिया है। कवि कहता है कि कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश दुगुना हो जाता है, किंतु नायिका के मन में प्रीतम से बिछुड़ने की आशंका के होने से उसे वह चांदनी भी आसपास हो रही वर्षा की छाई हुई अंधकारमयी अमावस प्रतीत होती है। वह मानिनी नायिका है, इसलिए मान के कारण उसके मुख से ग्रीष्म की गर्म किरणें निकलती हैं और जब वह अपने सामने प्रियतम को देखती है तो उसके सामने शिशिर की रात्रि उपस्थित हो जाती है। प्रसन्नता के कारण उसके मुख पर शिशिर की ओस की बूंदों के समान अश्रुबिंदु छा जाते हैं। चांदनी पृथ्वी के ऊपर सहस्त्रधार होकर अमृत की वर्षा कर रही है। जैसे जैसे रात्रि बढ़ती जाती है, कुमुदिनी का सुख भी बढ़ता चला जाता है। हंस और हंसिनी दोनों अपने उज्ज्वल परों की शोभा का प्रसार करते हुए विराजमान हैं। नायिका श्याम के रंग में रंगी हुई जगमगाती हुई उल्लसित रहती है। आलोच्य छंद में अनुप्रास उपमा और रूपक अलंकार की छटा द्रष्टव्य है। उपमा अलंकार अर्थालंकार है जिसमें दो भिन्न वस्तुओं के बीच सादृश्य अथवा साधर्म्य प्रतिपादन होता है। इसके चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और सादृश्यवाचक। उपमा अलंकार दो प्रकार का होता है, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा अलंकार। जहाँ उपमा के पूर्वोक्त चारों अंग यथा उपमेय, उपमान, साधर्म्य और वाचक पूर्णतः स्पष्ट होते हैं, वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। किंतु इनमें से किसी एक, दो अथवा तीन का कथन न किए जाने पर लुप्तोपमा होता है। देव न देखत हों द्युति दूसरी देखे हैं जा दिन ते ब्रजभूप मैं पूरी रही री वही पुरकानन आनन आनन ओप अनूप मैं ये अखियाँ सखियाँ न हमारी ये जाए मिली जल बूंद जो कूप में कोटि उपाय न पाइए फेरी
समाई गई रंग राई के रूप में। ब्रज की गोपिका ने जब से श्री कृष्ण को देखा है तब से वह उनकी सुंदरता को देखकर उन पर मुग्ध हो गई है। इस बात को वह अपनी सखी से कहती है। श्री कृष्ण की मनमोहिनी छवि को देखने के बाद उस छवि पर मुग्ध हुई गोपिका अपनी सखी से कहती है कि जिस दिन से मैंने ब्रज के राजा श्री कृष्ण को देखा है उस दिन से मुझे किसी और की छवि दिखाई ही नहीं देती है। अब भी मेरे कानों में उनके द्वारा बजाई हुई मुरली की मधुर ध्वनि गूंज रही है और मेरे नेत्रों के सामने अब भी उनके मुख की सुंदर छवि बनी हुई है। मेरे नेत्रों ने तो मेरा साथ नहीं दिया और मैं कृष्ण की उस मोहिनी छवि में जाकर उसी प्रकार मिल गई जिस प्रकार जल की बूंद जल में जाकर मिल जाती है। अब तो यह हालत है सखी कि मेरी ये आंखें उसे रंगीले श्री कृष्ण में जाकर मिल गई है। अब तो यह हालत है सखी कि मेरी ये आंखें उस रंगीले श्री कृष्ण में जाकर मिल गई और अनेक उपाय करने पर भी मेरे पास वापस लौटकर नहीं आ रही हैं। आलोच्य सवैया छंद में नायिका की मुग्धावस्था का वर्णन है। कानन आनन आनन ओप अनुप में वृत्यानुप्रास अलंकार है। वृत्यानुप्रास अलंकार में वृत्ति के अनुसार एक या अनेक व्यंजनों की क्रमानुसार अनेक बार आवृत्ति होती है। ये अखियाँ सखियाँ न हमारी ये जाए मिली जल बूंद ज्यों कूप में दृष्टांत अलंकार है, जहाँ उपमेय उपमान और उनके साधारण धर्मों का परस्पर बिंब प्रतिबिंब भाव हो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। आँखिन आँख लगाई रहे सुनिए धुनि कानन को सुखकारी, देव रही हिय में धरु के न रुके निसरे बिसरे न बिसारी, फूल में बासु ज्यों मूल सुबासु को है फल फूल रही फुलवारी, प्यारी उजियारी हिये भरी पूरी है दूरी न जीवन भूरी हमारी। आलोच्य छंद की रचना महाकवि देव ने इस प्रकार की है कि इस छंद के दो अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ संयोग श्रृंगार का निकलता है और दूसरा भक्ति परक। श्रृंगार रस के अंतर्गत कवि का कथन कृष्ण के प्रति है, जहाँ राधा के प्रति कृष्ण का अपार प्रेम प्रकट हुआ है। भक्ति पक्ष के अंतर्गत यह एक भक्त की उक्ति प्रतीत होती है, जिसमें उसने श्री राधा जी के प्रति अपने भक्ति के पुष्प चढ़ाए हैं। कवि कहता है कि मेरी आंखें सदैव उन्हीं की ओर लगी रहती है, उनके प्रेम से परिपूर्ण मधुर शब्द मेरे कानों को सुख प्रदान करते हैं। उन्होंने मेरे हृदय में गहराई से उतरकर उसे अपना घर बना लिया है। मेरे हृदय में सदैव उनका ध्यान और उनकी छवि विराजमान रहती है। न तो वह एक क्षण के लिए हृदय से निकलने पर निकलती है और न ही भुलाने से भूलती है। जिस प्रकार फूलों में सुगंध अपने वास्तविक रूप में रहती है, उसी प्रकार वे भी मेरे हृदय में फुलवारी के समान फूल रही हैं। उनकी प्रकाश से आप्लावित प्यारी मूरत हमारे हृदय में समाई हुई है। ऐसी वह राधा जी हमारी जीवन भूमि है और हमसे दूर नहीं है। आलोच्य छंद में उपमा अलंकार है। इस छंद के दो अर्थ निकलते हैं, एक कृष्ण के संदर्भ में संयोग श्रृंगार से संदर्भित और दूसरा भक्ति परक। रिझि रिझि रहसी रहसी कहत हंसी हंसी उठे सांसे भरी आंसू भरी कहत दई दई, चौंकी चौंकी चकी चकी उचकी उचकी देव जकी जकी वकी वकी परत वई वई, तुहन को रूप गुण दो वरनत फिरे घर न थिरात रीति नेह की नई नई, मोही मोही मन को मन भयो राधा मैं राधा मन मोही मोही मोहन भई भई। आलोच्य छंद में महाकवि देव ने बताया है कि राधा और कृष्ण एक दूसरे के रूप को देखकर मुग्ध हो रहे हैं। राधा कृष्ण के रूप को देखकर मुग्ध हो रही है
और कृष्ण राधा के सौंदर्य पर रीझ रहे हैं। दोनों प्रेम में उन्मत्त होकर एक दूसरे के गुणों का वर्णन करते फिरते हैं। महाकवि देव कह रहे हैं कि कृष्ण और राधा एक दूसरे के सौंदर्य पर मोहित हो रहे हैं। वे दोनों एकांत में बैठकर प्रेम विनोद की बातें कर रहे हैं। वे बीच बीच में कभी हंसने लगते हैं, कभी सांसें भरते हैं, कभी आहें भरते हैं, कभी प्रेम के आंसू आंखों में भरकर देव देव पुकार उठते हैं। कभी कभी सहसा किसी के आ जाने से वे भय से कांप उठते हैं कि कोई हमें मर्म की बातें करते देख तो नहीं रहा है। कभी वे भौचक्के से होकर चारों ओर देखने लगते हैं, कभी अपनी जगह से उचक पड़ते हैं, कभी उठ बैठते हैं और कभी हट करके कुछ भी बकने लगते हैं। कभी किसी अन्य का स्मरण करके अनर्गल प्रलाप करने लगते हैं। राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे के रूप और गुणों की प्रशंसा करते फिरते हैं। वे घर में थोड़ी देर भी शांत होकर नहीं ठहरते हैं। वे एक दूसरे को देखने की लालसा में जट बाहर निकल आते हैं। प्रेम की यह अनोखी रीति है। कृष्ण का मन मुग्ध होकर राधा का रूप हो गया है और राधा का मन मोहित होकर मोहन अर्थात कृष्ण का रूप हो गया है। आलोच्य छंद में संयोग श्रृंगार का बहुत अच्छा चित्रण हुआ है। साहित्य शास्त्र में रस को भाव निरूपण के लिए अनिवार्यतः स्वीकार किया गया है। रस काव्य का वह आनंद है जो आलंबन विभाव से उद्भूत, उद्दीपन विभाव से उद्दीप्त, व्यभिचारी भावों से परितुष्ट और अनुभवों से व्यक्त स्थायी भाव ही रस दशा को प्राप्त होता है। रस के चार तत्व होते हैं, विभाव, अनुभव, स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव। रस के नौ प्रकार होते हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। कुछ विद्वानों ने वात्सल्य भक्ति अथवा मधुर रस की कल्पना भी की है। श्रृंगार को रसराज कहा गया है। ये दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार। इस छंद में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार विद्यमान है। जब भिन्न आकार वाले शब्दों के अर्थ में सहसा पुनरुक्ति की प्रतीति होती है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। कोई कहो कुलटा कुलीन अकुलीन कहो, कोई कहो रंकिनी कलंकिनी कुनारी हो, कैसो परलोक नरलोक बरलोकन में लीनों में अलोक लोक लोकन ते न्यारी हो, तन जाही मन जाही देव गुरुजन जाही, जीव क्यों न जाही टेक टेरत न टारी हो, वृंदावन वारी बनवारी की मुकुटवारी पीत पटवारी वाही मूर्ति पय वारी हो। आलोच्य छंद में महाकवि देव ने कृष्ण के प्रेम में समर्पित एक गोपिका की मनस्थिति का चित्रण किया है। यह गोपिका कृष्ण के प्रेम में इतनी तन्मय है कि उसे इस बात की तनिक भी चिंता नहीं है कि उसके संबंध में कोई अन्य व्यक्ति क्या कहता है। कृष्ण के प्रेम में पगी एक गोपिका अपनी सखी से कहती है कि मैं अब वृंदावन विहारी श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से अनुरक्त हो चुकी हूँ। अब मुझे कोई भी व्यक्ति चाहे कुलटा कुलीन अकुलीन भिखारन कलंकिनी अथवा कुनारी आदि कुछ भी कहे इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे इस नरलोक और इस नरलोक से परे परलोक के किसी भी सुख की इच्छा नहीं है। श्री कृष्ण की शरण में आकर मैंने श्रेष्ठ लोकों में से एक ऐसे लोक का चयन किया है जो अपने आप में अलोक और अनोखा है। वह कहती है कि अब मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण में लीन होकर स्वर्ग और नरक के बंधन से मुक्त हो चुकी हूँ। अब मैं समस्त लोकों से न्यारी होकर वृंदावन विहारी श्री कृष्ण के मुकुट पर समर्पित हो चुकी हूँ और उस पीताम्बरधारी श्री कृष्ण पर ही मेरा सर्वस्व न्योछावर है। आलोच्य छंद में श्री कृष्ण के प्रति एक गोपिका के अंतर्मन में निहित प्रेम और भक्ति की अनन्यता
और उसकी पूर्णता का एक बहुत अच्छा चित्र प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह संदेश अभिव्यंजित हो रहा है कि श्री कृष्ण की आराधिका गोपिका के प्रेम और भक्ति के समन्वित रूप में समर्पण की भावना अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची हुई है। आलोच्य छंद में अनुप्रास, यमक और वृत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग बहुत सुंदरता से हुआ है। वृत्यानुप्रास अलंकार में वृत्ति के अनुसार एक अथवा अनेक व्यंजनों की क्रमानुसार अनेक बार आवृत्ति होती है। देव में शीस बसायो स्नेह को, भाल मृगम्बद बिंदु के भाक्यो, कंचुकी में चुप्रियो करीचोवा, लगाए लियो उरसो अभिलाख्यो, लय मखतूल गुहे गहने, रसमूर्ति वंत बनाई के चाख्यो, सांवरे लाल को सांवरो रूप, मैं नैननी को कजरा करी राख्यो। प्रस्तुत छंद में एक गोपिका का अपनी सखी से कहा गया कथन है। वह अपने प्रीतम के साथ अपने संयोग की दशा का विवरण अपनी सखी को बतला रही है। श्री कृष्ण के प्रेम में पगी एक गोपिका अपनी सखी से कहती है कि मैंने श्याम सुंदर के स्नेह रूपी तेल को अपने सिर में धारण कर लिया है और उनकी प्रेम रूपी कस्तूरी को सौभाग्य की बिंदी के रूप में अपने मस्तक पर धारण कर लिया है। मेरे प्रेमी श्याम का श्याम रंग मेरे सौंदर्य के प्रसाधन की सामग्री बन गया है। उनके प्रेम को मैंने अपनी चोली में इत्र बनाकर लगा लिया है और उसे अपनी कामना बनाकर अपने हृदय में छिपा लिया है। मैंने अपने प्रीतम को आभूषण आदि के रूप में अपना साकार श्रृंगार बनाकर उसका रसास्वादन किया है और उस श्याम सुंदर के सांवले सलोने रूप को काजल बनाकर अपनी आंखों में सदैव के लिए बसा लिया है। आलोच्य छंद में महाकवि देव ने संयोग दशा का सूझबूझपूर्ण चित्रण किया है, जिसमें कल्पना भी है और है लौकिक दशा का यथार्थ भी। प्रस्तुत छंद एक प्रकार से रूप वर्णन है। रूप की अनुभूति की तीन अवस्थाएं होती है। एक वस्तुगत रूप की अनुभूति, जिसमें वस्तु के विभिन्न अंगों के सामंजस्य का तटस्थ रूप से ग्रहण मात्र होता है। दूसरी रूपजन्य मानसिक आनंद की अनुभूति, जिसके मूल में वस्तु और भाव का सामंजस्य होता है। तीसरी अनुभूति रूप के प्रति वासना की अनुभूति होती है, जिसमें केवल आनंद की भावना ही नहीं अपितु रूप के ऐन्द्रिक उपभोग की वासना का भी गाढ़ा रंग रहता है। आलोच्य छंद रूप की अनुभूति की तीसरी अवस्था है, जिसमें सांवरे लाल के सांवरे रूप को कंचुकी में चुवा रूप से चुपड़ना, हृदय में भर लेना, श्रृंगार के रूप में आस्वादित करना, नयनों में अंजन रूप में आंज लेना, ऐसा लगता है जैसे शरीर के सभी इंद्रियों को उपकृत किया जा रहा हो। प्रस्तुत छंद में विशेष तथा अपनुति अलंकार का प्रयोग उल्लेखनीय है। लागी प्रेम डोरी खोरी सांकरी भय कढ़ी आनी, नेह सो निहोरी जोरी आली मन मानती, उतते उताल देव आए नंदलाल इथ, सोहें भई बाल नव लाल सुख सानती, कान कहो टेरी के कहाँ ते आई कोहो तुम, लागती हमारे जान कोई पहचानती, प्यारी कहो फेरी मुख हेरी जू चले जहू, हमें तुम जानत तुम्हें हूँ हम जानती। आलोच्य छंद में महाकवि देव ने राधा और उसकी सखी तथा राधा और कृष्ण के बीच का वार्तालाप चित्रित किया है। राधा अपनी सखी से कहती है कि उसके हृदय में प्रेम की डोर लग गई है, जिसके कारण कृष्ण के प्रति उसके हृदय में प्रेम जागृत हो गया है। वह कृष्ण से मिलने की आशा में ब्रज की सकरी गली से होकर निकलती है। स्नेह के साथ निहोरा करती हुई उसके मन में यह मनोती करती है कि कृष्ण भी उधर से आ निकले। इधर से नायिका जा रही थी और उधर से मतवाले बने हुए श्री कृष्ण आ गए।
राधा सामने होते ही उनके नवनेह में सन गई। कृष्ण ने पुकार कर कहा, तुम कहाँ से आई हो और कौन हो? मुझे तो तुम पहचानती हुई सी लगती हो। राधा प्यारी ने मुख फेर कर कहा कि तुम मुझे पहचानते हो तब मुख फेर कर ही क्यों चले जाते हो? तुम हमको जानते हो तो हम भी तुमको पहचानती हैं। आलोच्य छंद में संयोग श्रृंगार के अंतर्गत मिलन क्रीड़ा का वर्णन है। नायिका परकिया पूर्वानुरागिनी है। साहित्य शास्त्र में नायिकाएं तीन प्रकार की होती हैं, स्वकिया, परकिया और सामान्या। जिस नायिका का एक प्रेमी अथवा एक ही पति होता है वह स्वकिया नायिका होती है। परकिया नायिका अपने पति अथवा प्रेमी के अतिरिक्त भी अन्य किसी दूसरे से प्रेम करती है। सामान्या के लिए पति अथवा प्रेमी की संख्या का कोई बंधन नहीं होता। प्रस्तुत छंद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग बहुत कुशलता से हुआ है। छंद में संवादात्मकता है। जब ते कुंवर कान रावरी कला निधान, कान परी वाके कहूं सुजस कहानी सी, तब ही ते देव देवता सी हंसती सी, खीजती सी रीजती सी रूसती रिसानी सी, छोही सी छली सी छीनी लीनो सी छकी सी छीन, जकी सी टकी सी लगी थकी थहरानी सी, बीधी सी बंधी सी विष बूढ़ी सी विमोहित सी, बैठी वह भगती विलोकती बिकानी सी। आलोच्य छंद महाकवि देव द्वारा रचित जाति विलास से अवतरित किया गया है। इस छंद में एक गोपी की दूतिका श्री कृष्ण से गोपी की प्रेम की दशा का वर्णन कर रही है। दूतिका कहती है कि हे कुंवर कन्हैया, जिस दिन से मेरी सखी ने आपके सुयश की कहानी सुन ली है तब से उसकी मानसिक दशा में परिवर्तन हो गया है। वह दिन रात प्रेम दीवानी होकर देवता के समान हंसते हुए प्रेम के स्वर्ग में विचरण करती है। कभी तो वह हंसती सी प्रतीत होती है, कभी क्रोधित तो कभी रूठी हुई मुद्रा में दिखती है, कभी मोहित सी तो कभी चकित थकित सी सदा अपलक नेत्रों से आपकी प्रतीक्षा करती रहती है। कभी वह प्रेम बाण से निबद्ध तो कभी बंदिनी के समान तो कभी गरल में डूबी हुई सी प्रतीत होती है। वह गोपी आपकी रूप छटा पर मुग्ध है। प्रेम के अतिरेक के कारण वह बड़बड़ाना प्रारंभ कर देती है तो कभी ऐसा भी लगता है जैसे वह किसी के हाथों बिक चुकी हो। आलोच्य कवित्त छंद में प्रेम की पराकाष्ठा और प्रेम की तन्मयता का सुंदर चित्रण किया गया है। इस छंद में अनुप्रास और उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत कार्यक्रम में आलोच्य कवि देव के प्रमुख 18 चयनित पदों की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। महाकवि देव के अन्य चयनित पदों की व्याख्याएं अगले कार्यक्रम में प्रस्तुत की जाएंगी।